हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस व्हाट इज द फर्स्ट टर्म व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स व्हाट इज सेकंड टर्म आल्सो फाइंड थर्ड टेंथ nth टर्म अब देखिए इसमें सबसे पहले लिखिए आप ठीक है फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा डी एन क्या होती है नंबर ऑफ टर्म्स टी एन क्या होता है टर्म और एथ एन क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ एन ठीक है students? ये चीजें हमने लिख ली अब देखिए वो क्या कह रहा है एस एन एस एन इज इक्वल टू फोर एन माइनस एन काफी बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो ए एन इज इक्वल टू जल्दी जल्दी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और अच्छा ये क्वेश्चन आए एन इज इक्वल टू फोर एन माइनस एन बट ध्यान से रखिए वो क्या कह रहे हैं वन है तो एस वन क्या हो जाएगा फोर इन टू वन माइनस वन का स्केर दाइनस वन इज इक्वल टू थ्री अब देखिए अगर हमारी कोई एपी है ठीक है चाहे उसकी ए एन टर्म हो चाहे फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही हो गई ना तो एस वन इज इक्वल टू एज इक्वल टू थ्री समझ आया स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि एस वन यानी ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मतलब ए एज इक्वल टू थ्री अब वो क्या कह रहे हैं एन इज इक्वल टू

ए टू तो ए टू कितना आ गया फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन तो यहां से हमारी ए टू क्या निकल के आई वन तो ए वन क्या आ गया थ्री ए टू क्या आ गया वन अब देखिए ए टू किसके इक्वल होता है ए प्लस डी के ठीक है और ए टू कितना है वन ए कितना है थ्री तो डी निकाल लेते हैं वन माइनस थ्री इज इक्वल टू डी माइनस टू इज इक्वल टू डी ठीक है तो डी इक्वल आ गया हमारा माइनस टू के इक्वल समझ आया स्टूडेंट्स एस वन आया थ्री एस टू आया हमारा फोर एस टू इक्वल होता है ए वन प्लस ए टू फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू ए वन कितना है थ्री यहां से ए टू कितना निकला वन तो हमें ए निकल गया ए टू निकल गया और हमें डी निकल गया ठीक है स्टूडेंट्स व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट 3 आ गया वर्स एस टू कितना निकला? Four निकल गया. उसके बाद वैकंड टर्म कितनी निकली वन निकल गई ऑल्सो फाइंड थर्ड एंड एंथ ठीक है अब ए कितना है थ्री डी कितना है माइनस टू और एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमें क्या निकालना है थर्ड टर्म तो ए थ्री क्या हो जाएगा थ्री प्लस थ्री माइनस वन इंटू माइनस टू ए थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू इंटू माइनस टू दैट इज योर थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन तो हमारी थर्ड टर्म क्या निकलगी माइनस वन या कह सकते हैं ए थ्री इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है और एस टू कितना था फोर सारा चीजें निकल गई उसके बाद टेंथ टर्म ए टेन किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस टेन माइनस वन इन डी कितना है ए टेन इज इक्वल टू ए कितना है थ्री थ्री प्लस टेन माइनस वन नाइन और डी कितना है माइनस दैट इज योर थ्री माइनस एटीन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन ये क्या निकल गई हमारी 10. उसके बाद ए एन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ए कितना है थ्री एन हमें नहीं पता डी कितना है माइनस टू ए एन इज इक्वल टू थ्री माइनस टू एन प्लस टू माइनस टू को एन से किया माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू ठीक है ए एन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव माइनस टू एन तो ए एन कितना आ गया हमारा फाइव माइनस टू ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है